पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कांग्रेस के द्वारा प्रियंका गांधी को नई जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है तो कांग्रेसियों में भी खुशी देखी जा सकती है। कांग्रेस के इस दाव पर भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुसूचित मोर्चा अमर सिंह सागर ने टिप्पणी की है। अमर सिंह सागर ने अपने बयान में प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी सौंपना परिवारवाद बताया है। उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद जानती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यदि कांग्रेस को जनता के दिलों में जगह बनानी थी तो जनता के बीच से किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो परिवार की पार्टी नहीं है। उस पार्टी वो पार्टी जो है हमारे पूरे हिंदुस्तान का परिवार जो है उसकी पार्टी है, ना कि एक परिवार की पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बना कर रख दिया है। एक राज्य अभिषेक हुआ है तो उसमें क्या कहना है। ये तो मतलब पहले ही पता है कि माननीय इंदिरा गांधी जी बनी, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद माननीय राजीव गांधी जी बने, फिर उसके बाद सोनिया जी बनी, सोनिया जी के बाद राहुल जी बने, राहुल जी के बाद प्रियंका जी को बना दिया गया उनके साथ साथ। तो या तो तब अच्छा होता जब ये किसी दलित को या किसी दूसरे परिवार से हटके अपने उसको महासचिव बनाते, उसको प्रभारी बनाते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो लोग सोचते हैं अभी कांग्रेस के अंदर एक जो है वो परिवारवाद नहीं है। तो ये परिवारवाद की राजनीति, इसमें हमें कुछ नहीं होना, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी बहुत मजबूत से लड़ेगी और पहले से ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी, कम नहीं आएंगी। 72 थी पहले, मुझे लगता 75 आएंगी। अच्छा, इस बार गठबंधन के बाद में कितना असर दिखाई दे रहा? गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। माननीय मोदी जी का जादू चलेगा और चलता रहा है, आगे भी चलेगा। हम मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा हमें। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनता के लिए, वो आज तक जितने प्रधानमंत्री रहे हैं किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए। अभी जो 10% लागू किया है उच्च वर्ग के लोगों को, जो गरीब उच्च वर्ग में गरीब लोग होते हैं उन, वो जो किया उससे बहुत बड़ा लाभ जनता को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी और भी कुछ निर्णय लेने वाली है, जो बजट पास होगा उसमें बहुत लोगों को लाभ मिलने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूँ।